योगी आदित्यनाथ आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुदृढ़ कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि त्योहारों के दौरान आस्था का सम्मान किया जाए और कोई नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाए। योगी ने कहा है कि 4 जुलाई से पवित्र श्रवण मास का प्रारंभ हो रहा है, इससे पूर्व 29 जून को बकरीद मनाया जाएगा। स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। विगत दिनों रमजान माह और ईद के अवसर पर धार्मिक कार्यों से यातायात प्रभावित नहीं हो और इस प्रयास की पूरी देश में सराहना भी हुई थी तब, और इस बार बकरीद और मुहर्रम के मौके पर भी हमें यही व्यवस्था लागू रखनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस संबंध में संबंधित धर्मगुरुओं बुद्धिजीवियों से भी संवाद कराने की बात कही।